Hi everyone, welcome back to my channel and please subscribe to my channel and hit that like button. So, मैं आज की वीडियो होने वाली है मेरी रिव्यू वीडियो. इसमें मैं आपको एक प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ जिसे भी यूज कर रही हूँ लास्ट 15 टू 20 डेज और मुझे वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया है. ना ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ना किसी ने मुझे ये वीडियो करने को लिए कहा है. सो इसमें जो भी व्यूज है, जो भी चीजें हैं, वो सारी मेरी खुद की है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस की है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ. करने वाले हैं ये फेस वॉश की. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मोदी केयर. ये एक हर्बल ब्रांड है जो इंडिया का सेल्फ मेड ब्रांड है और इसके जो ओनर है उनका नाम है समीर मोदी. सो ये फेस वॉश का नाम है श्लोका एंड ये बना है मोरोकॉन आर्गन ऑयल क्लेंजर एंड दिस इज मॉइस्चराइज एंड क्लेंज. इसमें लिखा है कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए है. तो चलिए देखते हैं ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है भी कि नहीं. और आप इसे डायरेक्टली परचेज नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा ऐसे लेने को. इसे आप डायरेक्ट जो इन्हें सेल करते हैं मोदी केयर के जो भी कंसल्टेंट्स हैं उनसे ले सकते हैं. मैंने उनसे ही लिया है तो उनकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आपको भी लेना है पूरा रिव्यू देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो. तो चलिए इसको कितनी नेट वेट क्वांटिटी मिल जाती है. इसमें मिल जाती है हम आपको पूरी की पूरी क्वांटिटी 200 ml की. इसका MRP है 445 rupees और मैंने ये सेल प्राइस पे लिया था 400 rupees के पे. तो इसमें आपको अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी काफ़ी अच्छा प्राइस मिल रहा है 400. और ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा है जो टोटली हर्बल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, पैराबिन्स नथिंग लाइक दैट. इंडियन ब्रांड है, बहुत अच्छा करते हैं. इसकी पैकेजिंग के बारे में तो ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है जो काफ़ी शाइनी काइंड ऑफ है और इसमें ये ग्रीन कलर से कुछ चीज़ें बनी है जो मेरी आउटफिट को मैच कर रहा है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ. सो इसकी बॉटल कुछ इस तरह से दिखती है. सेम उस तरह का पैटर्न बना है जैसे इसका कार्डबोर्ड पैकेजिंग में बना है, आप देख सकते हो. सो सबसे अच्छी बात इसकी पैकेजिंग की ये है कि ये क्लियर बॉटल है और ये बॉटल प्लास्टिक की बॉटल है और जो ये पंप है ये भी प्लास्टिक का है. और इसमें आप देख सकते हो फेस वॉश बिल्कुल सी थ्रू है. इसमें कुछ कलरफुल से बीड्स है, रेड कलर के बीड्स है, यू कैन सी दैट. सो विच इज रियली वेरी गुड थिंग. टेक्सचर की तो इसका टेक्सचर है जेल, आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल जेल काइंड ऑफ है. और मुझे इसे यूज करते हुए आई थिंक 15 का डेज हो गए इसे यूज करते हैं. आप देख सकते हो कितना कम यूज हुआ है क्योंकि इसकी आपको सिर्फ एक ड्रॉप लेनी पड़ती है, वो ही थ्रू आउट योर फेस एंड आपकी नेक के लिए बहुत है. और ये इजिली ब्लेंड हो जाता है आपके फेस में, इजिली आपकी झाग बन जाती है, इजिली आपके फेस पे ऑब्जॉर्ब होने लग जाता है. तो या ये आपके लिए लाइक अगर आप सिंगल पर्सन यूज कर रहे हो तो ये आपको आई थिंक 5 to 6 months तो इजिली चलेगा ये सिंगल पर्सन के लिए. क्योंकि 1 month लाइक 15 days से तो ज्यादा ही होंगे शायद मुझे यूज करते हुए, अभी भी ये यही है स्टिल देयर ओनली. सो ये काफी टाइम तक लास्ट लॉन्ग करने लाइफ है, वो 2 years की है. तो आई थिंक ये 6 months में तो मुझसे खत्म हो ही जाएगा. और विच इज अ वेरी स्टील डील, 400 rupees में आपको इतना प्रोडक्ट मिल रहा है. सो या आपके पैसा वसूल तो हो ही जाता है 6 महीने में. और अगर आप नॉर्मल भी चीजें लेते हो मार्केट से, नॉर्मल फेस वॉशेस लेते हो, वही अच्छे वाले 200 से ज्यादा की रेंज के आते हैं. तो कोई बुरी बात नहीं है अगर आप हर्बल प्रोडक्ट ले लें 400 rupees का. तो स्मेल कैसी है, तो इसमें काफी फेमिनिन परफ्यूम काइंड ऑफ अ स्मेल है. लाइक इट रिमाइंड मी आई डोंट नो विच परफ्यूम, बट काफी फेमिनिन परफ्यूम. इट्स नॉट लाइक दैट कोबराज वंस, बट इट्स रियली वेरी सूदिंग. बट थोड़ी सी हार्श है, अगर आपको पसंद नहीं है थोड़ी स्पाइसी काइंड ऑफ परफ्यूम्स तो आप इससे थोड़ा दूरी रहिए. बट अगर आपको पसंद है काफी फेमिनिन और काफी स्पाइसी काइंड ऑफ परफ्यूम्स तो दिस इज जस्ट फॉर यू. एंड जैसा कि इसकी पैकेजिंग में लिखा था कि ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, पर मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू बताऊं तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, देन दिस इज द बेस्ट थिंग आप जो यूज कर सकते हो मेरे कहने पे. और अगर आपकी ड्राई स्किन है सो ये थोड़ा आपकी स्किन को ड्राई करने वाला है. क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो जो जितना भी आपके फेस से डर्ट है ये डर्ट को रिमूव कर देगा इजिली. और आप इंस्टेंटली आपको फील होगा कि आपके फेस पे काफी ड्राइनेस होगी, काफी इजिली आपको आपका फेस स्मूथ हो जाएगा.
इसमें लिखा, इसकी पैकेजिंग में ये भी लिखा था कि इजीली आप एकदम आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है। मॉइस्चराइज तो नहीं करता, बट डेफिनेटली अगर आपकी ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आपके फेस से जितने भी डर्ट पार्टिकल्स है एकदम रिमूव कर देता है। ऑयल है अगर तो एकदम रिमूव कर देता है। काफी देर तक, काफी टाइम तक आपके फेस पे ऑयल सिक्रीट नहीं होगा आपके फेस से अगर आपकी ऑयली स्किन है। सो जो इसकी बहुत अच्छी चीज है, और ड्राई स्किन वाले थोड़ा आई थिंक दूरी रहना चाहिए ड्राई स्किन वालों को इससे, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जब मैं इसे यूज करती हूँ, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, तो जब मैं इसे यूज करती हूँ तो ये मेरे फेस को बिल्कुल ड्राई कर देता है, और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे माउथ के अराउंड मुझे ड्राई पैचेस होने लग जाते हैं। तो मुझे कहीं कहीं ना कहीं लगता है कि ड्राई स्किन वालों के लिए इतना सुटेबल नहीं होगा। सो अगर मैं बात करूं कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों लेना चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो एक इंडियन ब्रांड है, काफी ट्रस्टेड है, और हर्बल ब्रांड है, पैराबिन फ्री है, और काफी अमाउंट मिल रहा है, और या ऐसी बहुत सारी गुडनेस। एक्ने भी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। अगर ये मेरी ऑयली फेस से सारा ऑयल रिमूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्ने वालों की मेन प्रॉब्लम तो ऑयल ही होता है, तो इससे भी ये वर्क करेगा डेफिनेटली। और इसमें ये भी लिखा था कि अगर आपके फेस पे लाइक मेकअप के रेजिड्यूज है, तो ये उसे भी रिमूव करता है, विच इज वेरी वेरी ट्रू। ये काफी अच्छा है मेकअप के बाद फेस वॉश करने के लिए भी। सो दैट्स अबाउट माई अबाउट लाइक पूरी वीडियो का जस्ट ये है कि मुझे प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। मैं इसको 5 out of 5 देने वाली हूँ, और अगर मेरे कहने पे आपने लेना है तो इसे आप परचेज कर सकते हो। मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिनसे आप बाय कर सकते हो, और ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट कंसल्टेंट से ले सकते हो। तो उन सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाई।